नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 9 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अब खबरें देश विदेश से। फीफा के पहले मैच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। इन दोनों के साथ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी बैठे थे। पुतिन ने रिएक्शन देने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाया। कई मौकों पर दोनों को कैमरे में दिखाया गया। मैच जीतने के बाद पुतिन ने टीम मैनेजमेंट को कॉल कर जीत की बधाई दी और ऐसा ही प्रदर्शन करने को कहा। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमान ने विचित्र अंदाज में पत्रकारों को नीचा दिखाया। उन्होंने पत्रकारों पर ताना मारते हुए ये भी कहा, आप सभी पत्रकारों को थोड़े बेवकूफ की तरह दिखाने का मुझे अफसोस है। 73 वर्षीय राष्ट्रपति ने एक अजीबोगरीब कार्यक्रम के दौरान लाल रंग के एक विशालकाय अंडरवियर को जलाकर पत्रकारों के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। IIT ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने JEE एडवांस्ड क्वालिफाइड करने वाले स्टूडेंट्स की नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस नई मेरिट लिस्ट में सुपर 30 के 3 स्टूडेंट्स शामिल है, जिसके बाद सुपर 30 से JEE एडवांस क्वालिफाइड करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अब 29 हो गई है। पिछले 5 दिनों से LG के घर धरने पर और 3 दिन से अनशन पर बैठे डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि उन्हें जबरन LG हाउस से बाहर निकाला जा सकता है। सिसोदिया ने कहा कि अगर हमें निकाला गया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि हमें जबरन निकालने की योजना क्यों बन रही है, हमें सिर्फ 4 दिन हुए हैं। अनशन पर बैठे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बिल्कुल फिट हैं और वे दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के गया जिले के गुरारू बाजार में नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने अभी तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घटना के समय नाबालिग बच्ची अपनी मां और पिता के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। इसी दौरान करीब 20 युवकों ने पहले बच्ची के पिता की बाइक रोकी और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता बच्ची के पिता को पास के पेड़ पर बांध दिया और बारी बारी से बच्ची और उसकी मां के साथ गैंगरेप किया। इस सप्ताह देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई इस चेतावनी के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही देश के अलग अलग हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का सितम जारी है। अकेले यूपी में ही धूल भरी आंधी की वजह से 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से निकलने वाले अखबार के संपादक शुजात बुखारी की हत्या के मामले पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकी शुजात बुखारी को मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे और इसलिए उन पर ताबड़तोड़ 15 गोलियां दागी गई थी। रुपयों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर 68 के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें 40 पैसे की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल एक डॉलर के मुकाबले रुपया 68.2 के स्तर पर बना हुआ है। डॉलर में तेजी आने के लिए अमेरिका में बढ़ाई गई ब्याज दरों को माना जा रहा है। बता दें कि बुधवार को अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। शहर के काकसराय क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रहे सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकवादियों ने आज गोलीबारी की। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग घायल हो गए। पेशावर स्कूल में हमले का मास्टरमाइंड तालिबानी आतंकवादी मौलाना फजलुल्लाह अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के करीब कुनार प्रांत में अमेरिकी सेनाओं ने हमला किया। फजलुल्लाह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का चीफ था और मुल्ला रेडियो के नाम से भी जाना जाता था। देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 9 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।